अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका होस्ट अमजद संगेज और आप देख रहे हैं सब मालूमात। दोस्तों काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि यार मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं हो रहे। अगर किसी के पास शो होते भी हैं तो वो खाली नाम के साथ शो होते हैं, विथ नंबर नहीं होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर कैसे ऐड किए जाएँ या कैसे कापी किए जाएँ। मैं आज आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, उस एप्लीकेशन के बारे थ्रू आप जो है ना नंबर और जो नाम है नंबर का वो दोनों एक साथ भी देख सकेंगे और वहाँ से नंबर आप लेके अपने मोबाइल में भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मोटोरोला का मोबाइल होता है उसमें नंबर जो है ना शो नहीं होते हैं, फिर उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो है ना नंबर उसमें आते हैं। और जो काफ़ी सारे सैमसंग के मोबाइल भी होते हैं जहाँ पर मोबाइल नंबर शो नहीं होते हैं, तो उसकी सेटिंग में जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अब बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ कि अब आपको सेटिंग में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप नंबर भी देख सकेंगे और नंबर वहाँ से कॉपी करके अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। और वहाँ जो नंबर आपको दिखाई देंगे वो नंबर और नाम दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे, जबकि तकरीबन एंड्रॉयड मोबाइल में ये चीज़ नहीं होती है। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि वो एप्लीकेशन कौन सी है और क्या काम करती है। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे सर्च बार में सिम प्लस, SIM सिम PLUS सिम प्लस। सिम प्लस लिखने के बाद देखें सबसे ऊपर जो है ना सिम प्लस, इसको इंस्टॉल करना है हमें। ये इंस्टॉल कर लेंगे, एक्सेप्ट, देखें इंस्टॉल हो रहा है। अब ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखें ऊपर तीन डॉट वाला ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे। ये सिम इन्फॉर्मेशन, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, NIC नंबर भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा। सिम कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो सारे नंबर शो होंगे, ये देखें सारे नंबर शो हो रहे हैं विथ नेम, नंबर एंड नेम दोनों साथ शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस पर टिक करेंगे ये PDF, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ये सारे नंबर आपके PDF में कन्वर्ट हो गए हैं। इसको आप प्रिंटर के ज़रिए सबको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसमें देखें फ़ोन कॉन्टैक्ट सब हैं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ टिक करेंगे, एक को टिक करेंगे, ये आगे कॉपी टू सिम, इसको कॉपी टू सिम करेंगे तो सारे नंबर एक साथ मोबाइल में कॉपी हो जाएंगे, आपके जितने भी नंबर हैं सारे मोबाइल में कॉपी हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल सब मालूमात को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बड़ी मेहरबानी।